कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइज। ये देखिए मैं गुलगुले बना रही हूँ। और गाइस कल बांसुड़े की पूजा है। हमारे यहाँ बांसुड़ा बोलते हैं शीतला अष्टमी, जिसमें बांसे खाने का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। तो इसलिए मैं सारा ये देखिए पूड़ियाँ बना के रखी हैं। ये मैंने यहाँ सब्जी बना के रखी है और ये मैंने राइस बना के रखे हैं और ये मैं गुलगुले बना रही हूँ। चढ़ते हैं माता को, लगाते हैं भोग गुलगुलों का। हमारे यहाँ तो गुलगुले का भोग लगाया जाता है ससुराल में। तो मैं बना रही हूँ, इसमें ठंडे खाने का ही भोग बनाया जाता है। और मैंने इसमें एक मुट्ठी आटा लिया है और शक्कर अपने हिसाब से। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है और इसमें डाला है मैंने सौंफ, बस इतनी चीज़ें। और शक्कर डाली है और इसको अच्छे से हमको फेंट लेना है ताकि गुलगुले बहुत सॉफ्ट बने, हार्ड ना बने। ये देखिए इसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फ्लिपी बने हैं। ये देखिए गरम है गाइस। ये देखिए गुलगुले का पहचान ये होती है इसके घोल की, कि जब गुलगुले अच्छे से बनते हैं ना एकदम स्पंजी टाइप के, अच्छे से मुलायम, तो वो अपने आप ही तेल में तैर के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये, और जो हार्ड रहेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, मतलब पता नहीं चलेंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है। ये देखिए अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार होते हैं गाइस और हर त्यौहार का कोई ना कोई महत्व होता है। मैंने गाय की पूरी निकाल दी है, बाकी अपने कान्हा जी का भोग और शीतला माता का भोग बना रही हूँ। कल की पूजा मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में कि शीतला माता की कैसे पूजा करनी है। और गाइस यहाँ पे साउथ में इधर मेरे आसपास कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है, यहाँ से विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं, नारायण जी को। तो गाइस मैं घर में ही पूजा करूँगी और मेरे पास शीतला माता का फ़ोटो भी नहीं है और मन में उनका आचमन करके बस पूजा कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी किस तरीके से पूजा करूँगी मैं। तब तक के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए इस ब्लॉग को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और मिलती हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज़।